राजीव दीक्षित की रहस्यमय मौत, राजीव दीक्षित की मौत या हत्या, बाबा रामदेव पर लगे गंभीर आरोप, राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, मौत के बाद शरीर नीला पड़ गया, देश के क्रांतिकारी समाज सुधारक राजीव दीक्षित की रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ पाया, आखिर आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी देशों की पोल खोलने वाले राजीव दीक्षित की अचानक मौत कैसे हो गई, जब वो पूरी तरह स्वस्थ थे और कार्यक्रम में शिरकत करने गए। चलिए इस वीडियो में आपको राजीव दीक्षित की रहस्यमय मौत के बारे में बताते हैं, उनके जीवन के आखिरी दिन में क्या हुआ था। 30 नवंबर 2010 को अपने जन्म दिवस के दिन राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 29 नवंबर को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजीव ने दुर्ग जिले के बेमित्रा तहसील में भाषण दिया। इसके बाद भारत स्वाभिमान आंदोलन के दुर्ग निवासी दया सागर के साथ भिलाई के लिए कार से रवाना हुए। कार कन्हैया नाम का ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव को पसीने के साथ बेचैनी हुई। तबियत बिगड़ने पर वो दया सागर के घर पहुंचे, लेकिन वहां वे बाथरूम में गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि राजीव को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद राजीव को BSR अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर दिलीप रतनानी ने उनका इलाज किया, लेकिन रात में 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टर रतनानी ने बताया कि सीरियस हार्ट अटैक की वजह से राजीव की मौत हुई। इसके बाद उनके शव को एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार लाया गया। समर्थकों का कहना है कि राजीव दीक्षित का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था, उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। बिना पोस्टमार्टम के राजीव का अंतिम संस्कार हरिद्वार में कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो लोगों ने शक जताया कि राजीव दीक्षित की हत्या हुई है। सवाल ये भी उठा कि मौत के बाद राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर वर्धा ले जाने की बजाय हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम क्यों लाया गया। इस वजह से कई लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर भी उंगली उठाई, मतलब राजीव दीक्षित की मौत के पीछे बाबा रामदेव का हाथ है क्या। लेकिन रामदेव इन आरोपों से इनकार करते रहे और राजीव की मौत के पीछे उनकी खराब तबीयत को बताया। 30 नवंबर 1967 को जन्मे राजीव दीक्षित क्रांतिकारी समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते थे। 5 जनवरी 2009 को उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया। उन्होंने विदेशी कंपनियों की लूट के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी उसे काफी सफलता मिली, जिससे विदेशी कंपनियों का अरबों का नुकसान हुआ। अपने स्वदेशी आंदोलन की वजह से राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के निशाने पर आ गए। उनके समर्थकों का आरोप है कि विदेशी कंपनियों ने कुछ लोगों के साथ साजिश कर राजीव दीक्षित की हत्या करा दी। विदेशी कंपनियों की पोल खोलने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले और स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले राजीव दीक्षित की मौत को 12 साल से अधिक समय बीत गए हैं, लेकिन उनकी मौत से पर्दा नहीं उठ सका। आखिर जो व्यक्ति पूरे देश में लोकप्रिय था, अचानक उसकी मौत हो जाती है, उसके शव का पोस्टमार्टम तक नहीं होता, और इन सब सवालों से संदेश होता है कि राजीव दीक्षित की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है।